तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे वाइट क्लॉथ्स हैं, ये अभी वॉश हो गए हैं। अभी इनको अप्लाई करेंगे हम, लिक्विड ब्लू अप्लाई करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारे वाइट क्लॉथ्स हैं, तो अब हम इनके ऊपर लिक्विड ब्लू अप्लाई करेंगे। लिक्विड ब्लू अप्लाई करेंगे, अभी उसको ब्लीच से वॉश हो गए हैं, पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से लिक्विड ब्लू टिनोपॉल मशीन में अप्लाई की जाए, तो चलो अभी वो दिखाते हैं आपको। इतना हमें पानी लेना है 10 लीटर तक, और ये हमारा टिनोपॉल है, ये खोलिए तो ज़रा। ये हमारा टिनोपॉल है, उसके बाद में लिक्विड ब्लू है। तो हम इनको ये पानी में डालेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले डालेंगे टिनोपॉल, ये बहुत ज़्यादा नीला नहीं करना है, बराबर। हाँ, टिनोपॉल डाल दिया है। हाँ, टिनोपॉल, यस, टिनोपॉल डाला है। जैसे आपने क्या देखा नहीं अभी? नहीं, कितना देखा है? कितना डाला? एक पूरा टीस्पून डाल दिया इसका स्पॉन्ज में। हाँ। एक स्पॉन्ज, एक पूरा टीस्पून डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। हाँ, इसका स्पॉन्ज से अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने अब मशीन में बिट्टल लेवल तक पानी, देख रहे होंगे आप, बिट्टल की जो लेवल होती है वहाँ तक पानी ले लिया है। अब हम लिक्विड ब्लू का जो मटेरियल है वो इसमें ऐड करेंगे, लिक्विड ब्लू और टिनोपॉल का। अब इस मटेरियल को हम 10 मिनट तक घुमाएंगे, 10 मिनट तक मशीन में रूटिंग होने देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, इसको हमने लिक्विड ब्लू 10 मिनट तक मशीन हमने घुमाया है, उसके बाद में वो पूरा निकाल दिया है। अभी हम कपड़ों की सॉर्टिंग करेंगे। अभी जिन कपड़ों को हमें स्टार्च करना है वो रहने देंगे, और जिनको स्टार्च नहीं करना है वो हम हाइड्रो में डाल देंगे। तो चलो अभी मैं आपको किस तरह से स्टार्च करना है वो दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मशीन में हमने 1 इंच तक पानी लिया है, 20-25 कपड़े हैं स्टार्च देने के लिए। तो मैं आपको स्टार्च दिखाता हूँ, कोई कैसा स्टार्च है। ये जो स्टार्च है हमने आरारोट का बनाया है, स्टार्च पाउडर का। ये किस तरह से बनता है उसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके कि हाउ टू मेक स्टार्च एट होम। तो ये किस तरह से स्टार्च बनाया है वो आप देख सकेंगे। और ये स्टार्च अभी हम अप्लाई कैसे कर लेंगे, अभी लिक्विड ब्लू दिए गया है, कपड़ों का सॉर्टिंग हो गया है। तो अभी इसमें सिर्फ मशीन में हमारे सिर्फ जिन कपड़ों को हम स्टार्च करने वाले हैं वही कपड़े हैं मशीन में। तो अभी हम स्टार्च देने वाले हैं मशीन में।
इसमें एक ये आधा इंच पानी रखा है इसमें मशीन में, कितना? आधा इंच। आधा इंच, ओके, थोड़ा ही रखने का ना। हाँ, थोड़ा ही रखने का, बराबर। उसके बाद में ये स्टार्च, जितना पानी था उतना ही होने का? नहीं नहीं नहीं, एकदम आधा इंच पानी मशीन में। नहीं, ये पूरा स्टार्च डाल के तो उतना ही रहता है ना। हाँ, अभी इसको 5 मिनट तक वॉश करें। अभी मशीन चालू कर दूँ? हाँ। तो ये स्टार्च किए हुए क्लोथ हैं मशीन में, जिन्हें स्टार्च दिया था। तो हम देख दिखाएंगे आपको कितना टाइम इसको हाइड्रो में देना है। नीचे ब्रेक नहीं है ना, अभी ब्रेक लगा हुआ है तो जो टिप टपकने वाला पानी है ना वो निकालना है हमें, बराबर। हाँ, समझो अभी सुखाने डालेंगे तो टिप 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 नीचे गिरेगा ना। हाँ, तो वो नहीं करना है हमें, ऊपर में ऊपर फ्लोर खराब हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये ड्रायर में है ना, कैसे करने का इसको? ड्रायर में नहीं कर, ड्रायर में नहीं डालने का। ड्रायर में डाला तो उसका पूरा स्टार चला जाएगा। हाँ, खैर ये वो नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है ना। क्या? ड्रायर है तो, हाइड्रो मशीन है तो ये नेसेसरी नहीं है ना, ड्रायर ना। हाँ, अभी मशीन से करेगा तो ये प्रोसेस नहीं होएगा ना। कौन सा मशीन? ये जो हम लोग स्ट्रेच लगाया ना, स्ट्रेच मशीन में नहीं लगा सकता है ना। हाँ, ये हाँ, पानी गर्म करने का नहीं, उसको बॉयलर अलग से लेना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं समझा। जैसे हम लोग है ना, वो स्टिकी वाला लगाया है ना अभी इसमें मशीन में, स्टार्च। हाँ। और अभी हम लोग को ऑटोमेटिक मशीन है पूरा, उसमें स्टार्च कैसे करने का? उसमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, वही अब ऐसा मशीन नहीं लेने वाले, लेने वाला है फिर। और मेरे पास तो जगह नहीं है ना सुखाने का ऐसा। क्या करने का अभी? इसमें से निकाल के घर में भी डाल सकते हैं, ऊपर जिधर जगह मिले ना एक कोने में उधर डाल सकते हैं, ऊपर से फैन लगा देना, हो गया काम। ना जगह किधर मिलेगा? मिल जाएगा, वो भी इतना ज्यादा कपड़ा रहेगा। इसको स्टार्च नहीं करना, हो गया।